श्रीमद्भागवत महापुराण षष्ठ स्कंध द्वादशो अध्याय छठवां स्कंध बारहवां अध्याय वृत्रासुर का वध। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जय मुदीरे। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, वृत्रासुर रणभूमि में अपना शरीर छोड़ना चाहता था, क्योंकि उसके विचार से इंद्र पर विजय प्राप्त करके स्वर्ग पाने की अपेक्षा मरकर भगवान को प्राप्त करना श्रेष्ठ था। इसलिए जैसे प्रलयकालीन जल में कैटवासुर भगवान विष्णु पर चोट करने के लिए दौड़ा था, वैसे ही वह भी त्रिशूल उठाकर इंद्र पर टूट पड़ा। वीर वृत्रासुर ने प्रलयकालीन अग्नि की लपटों के समान तीखी नोकों वाले त्रिशूल को घुमाकर बड़े वेग से इंद्र पर चलाया और अत्यंत क्रोध से सिंहनाद करते हुए बोला, पापी इंद्र, अब तू बच नहीं सकता। इंद्र ने यह देखकर कि वह भयंकर त्रिशूल ग्रह और उल्का के समान चक्कर काटता हुआ आकाश में आ रहा है, किसी प्रकार की अधीरता नहीं प्रकट की और उस त्रिशूल के साथ ही वासुकी नाग के समान वृत्रासुर की विशाल भुजा अपने 100 गांठों वाले वज्र से काट डाली। एक बाह कट जाने पर वृत्रासुर को बहुत क्रोध हुआ। उसने वज्रधारी इंद्र के पास जाकर उनकी ठोड़ी में और गजराज ऐरावत पर परिख से ऐसा प्रहार किया कि उनके हाथ से वह वज्र गिर पड़ा। वृत्रासुर के इस अत्यंत अलौकिक कार्य को देखकर देवता, असुर, चारण, सिद्धगण आदि सभी प्रशंसा करने लगे, परंतु इंद्र का संकट देखकर वे ही लोग बार बार हाय हाय ऐसा कहकर चिल्लाने लगे। परीक्षित, वह वज्र इंद्र के हाथ से छूटकर वृत्रासुर के पास ही जा पड़ा था, इसलिए लज्जित होकर इंद्र ने उसे फिर नहीं उठाया। जब वृत्रासुर ने कहा, इंद्र, तुम वज्र उठाकर अपने शत्रु को मार डालो, यह विषाद करने का समय नहीं। देखो, सर्वज्ञ सनातन आदि पुरुष भगवान ही जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय करने में समर्थ हैं। उनके अतिरिक्त देह अभिमानी और युद्ध के लिए उत्सुक आतताइयों को सर्वदा जय ही नहीं मिलती, वे कभी जीतते हैं तो कभी हारते हैं। ये सब लोक और लोकपाल जाल में फंसे हुए पक्षियों की भांति जिसकी अधीनता में विवश होकर चेष्टा करते हैं, वह काल ही सबकी जय पराजय का कारण है। वही काल मनुष्य के मनोबल, इंद्रिय बल, शरीर बल, प्राण, जीवन और मृत्यु के रूप में स्थित है। मनुष्य उसे न जानकर जड़ शरीर को ही जय पराजय आदि का कारण समझता है। इंद्र जैसे काट की पुतली और यंत्र का हरण नचाने वाले के हाथ में होते हैं, वैसे ही तुम समस्त प्राणियों को भगवान के अधीन समझो। भगवान की कृपा प्रसाद के बिना पुरुष, प्रकृति, महतत्व, अहंकार, पंचभूत, इंद्रियां और अंतःकरण, चतुष्टय, ये कोई भी इस विश्व की उत्पत्ति याद करने में समर्थ नहीं हो सकते। जिसे इस बात का पता नहीं है कि भगवान ही सबका नियंत्रण करते हैं, वही इस परतंत्र जीव को स्वतंत्र कर्ता भोक्ता मान बैठता है। वस्तुतः स्वयं भगवान ही प्राणियों के द्वारा प्राणियों की रचना और उन्हीं के द्वारा उनका संहार करते हैं। जिस प्रकार इच्छा न होने पर भी समय विपरीत होने से मृत्यु को मनुष्य को मृत्यु और अपयश आदि प्राप्त होते हैं, वैसे ही समय की अनुकूलता होने पर, इच्छा न होने पर भी उसे आयु, लक्ष्मी, यश और ऐश्वर्य आदि भोग भी मिल जाते हैं। इसलिए यश, अपयश, जय पराजय, सुख दुख, जीवन मरण, इनमें से किसी एक की इच्छा अनिच्छा न रखकर सभी परिस्थितियों में संभाव से रहना चाहिए। हर्ष शोक के वशीभूत नहीं होना चाहिए। सत्व, रज और तम, ये तीनों गुण प्रकृति के हैं, आत्मा के नहीं। अतः जो पुरुष आत्मा को उनका साक्षी मात्र जानता है, वह उनके गुण दोषों से लिप्त नहीं होता। देवराज इंद्र, मुझे भी तो देखो, तुमने मेरा हाथ और शस्त्र काटकर एक प्रकार से मुझे परास्त कर दिया है, फिर भी मैं तुम्हारे प्राण लेने के लिए यथाशक्ति प्रयत्न कर रहा हूँ। यह युद्ध क्या है, एक जुए का खेल, इसमें प्राण की बाजी लगती है।
बाणों के पास डाले जाते हैं और वाहन ही चौसर हैं। इसमें पहले से यह बात नहीं मालूम होती कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, वृत्रासुर के ये सत्य एवं निष्कपट वचन सुनकर इंद्र ने उनका बड़ा आदर किया और अपना वज्र उठा लिया। इसके बाद बिना किसी प्रकार का आश्चर्य किए मुस्कराते हुए वे कहने लगे। देवराज इंद्र ने कहा, अहो दानवराज, सचमुच तुम सिद्ध पुरुष हो, तभी तो तुम्हारा धैर्य, निश्चय और भगवत भाव इतना विलक्षण है। तुमने समस्त प्राणियों के सुहद आत्मस्वरूप जगदीश्वर की अनन्य भाव से भक्ति की है, अवश्य ही तुम लोगों को मोहित करने वाली भगवान की माया को पार कर गए हो, तभी तो तुम असरोचित भाव छोड़कर महापुरुष हो गए हो। अवश्य ही यह बड़े आश्चर्य की बात है कि तुम रजोगुणी प्रकृति के हो तो भी विशुद्ध सत्व स्वरूप भगवान वासुदेव में तुम्हारी बुद्धि दृढ़ता से लगी हुई है, जो परम कल्याण के स्वामी भगवान श्री हरि के चरणों में प्रेममय भक्ति भाव रखता है, उसे जगत के भोगों की क्या आवश्यकता है। जो अमृत के समुद्र में विहार कर रहा है, उसे क्षुद्र गड्ढों के जल से प्रयोजन ही क्या हो सकता है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, इस प्रकार योद्धाओं में श्रेष्ठ परम महापराक्रमी देवराज इंद्र और वृत्रासुर धर्म का तत्व जानने की अभिलाषा से एक दूसरे के साथ बातचीत करते हुए आपस में युद्ध करने लगे। राजन, अब शत्रुसूदन वृत्रासुर ने बाएं हाथ से फौलाद का बना हुआ एक बहुत भयावना परिघ उठाकर आकाश में घुमाया और उससे इंद्र पर प्रहार किया, किंतु देवराज इंद्र ने वृत्रासुर का वह परिध तथा हाथी की सूंड के समान लंबी भुजा अपने 100 गांठों वाले वज्र से एक साथ ही काट गिराई। जड़ से दोनों भुजाओं के कट जाने पर वृत्रासुर के बाएं और दाएं दोनों कंधों से खून की धारा बहने लगी। उस समय वह ऐसा जान पड़ा मानो इंद्र के वज्र की चोट से पंख कट जाने पर कोई पर्वत ही आकाश से गिरा हो। अब पैरों से चलने फिरने वाले पर्वतराज के समान अत्यंत दीर्घकाय वृत्रासुर ने अपनी ठोड़ी को धरती से और ऊपर के होठ को स्वर्ग से लगाया तथा आकाश के समान गहरे मुंह, सांप के समान भयावनी जीव एवं मृत्यु के समान कराल दाढ़ों से मानो त्रिलोकी को निगलता अपने पैरों की चोट से पृथ्वी को रौंदता और प्रबल वेग से पर्वतों को उलटता पलटता वह इंद्र के पास आया और उन्हें उनके वाहन ऐरावत हाथी के सहित इस प्रकार लील गया जैसे कोई परम पराक्रमी और अत्यंत बलवान अजगर हाथी को निगल जाए। प्रजापतियों और महर्षियों के साथ देवताओं ने जब देखा कि वृत्रासुर इंद्र को निगल गया, तब तो वे अत्यंत दुखी हो गए तथा हाय हाय, बड़ा अनर्थ हो गया, यो कहकर विलाप करने लगे। बल दैत्य का संहार करने वाले देवराज इंद्र ने महापुरुष विद्या अर्थात नारायण कवच से अपने को सुरक्षित कर रखा था और उनके पास योग माया का बल था ही, इसलिए वृत्रासुर के निगल जाने पर उसके पेट में पहुंचकर भी वे मरे नहीं। उन्होंने अपने वज्र से उसकी कोख फाड़ डाली और उसके पेट से निकलकर बड़े वेग से उसका पर्वत शिखर के समान ऊंचा सिर काट डाला। सूर्याद ग्रहों की उत्तरायण दक्षिणायण रूप गति में जितना समय लगता है उतने दिनों में अर्थात एक वर्ष में वृत्रवध का योग उपस्थित होने पर घूमते हुए उस तीव्र वेगशाली वज्र ने उसकी गर्दन को सब ओर से काटकर भूमि पर गिरा दिया। उस समय आकाश में दुमदुमियाँ बजने लगीं। महर्षियों के साथ गंधर्व सिद्ध आदि वृत्र घाती इंद्र का पराक्रम सूचित करने वाले मंत्रों से उनकी स्तुति करके बड़े आनंद के साथ उन पर पुष्पों की वर्षा करने लगे। शत्रुदमन परीक्षित, उस समय वृत्रासुर के शरीर से उसकी आत्मज्योति बाहर निकली और इंद्र आदि सब लोगों के देखते देखते सर्वलोकातीत भगवान के स्वरूप में लीन हो गई। श्रीमद् भागवत महापुराण षष्ठ स्कंध द्वादशो अध्याय समाप्त। जय श्री कृष्ण।